वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैंने बोला था नेक्स्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, पर मेरी बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बुखार ये वो सब तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो फिलहाल अभी वो ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं अब लेट हो गई फिर भी अपलोड कर ही देती हूँ, सो उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और बहुत दिन से मैंने निकाल के रखा था, तो मैं आज फाइनली एडिट कर रही हूँ। सो आप बने रहिए ब्लॉग के एंड तक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, आप अगर नए हैं, नए देख रहे हैं मेरे वीडियोस, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और एक चीज़ ना, इनकी रेनॉल्ड्स टीम की बहुत अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के घर से अच्छे व्यूज आते हों और ये दूसरे के घर से नहीं आते हों। तो ये मेरे माइंड में पहले था कि हम फेस मतलब जल्दी बुक करें, नहीं तो हमको अच्छा व्यू देखने को नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। कहीं से भी जाके आप देखेंगे अच्छा व्यू ही आएगा, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इधर भी है स्केटिंग, अब इसमें से ये सब कितना अच्छा दिखेगा, ये सब है ना। अब जैसे ये देखिए स्केटिंग एरिया है, तो जिसका फ्लैट इस तरफ रहेगा उसको कितना अच्छा व्यू आएगा, ऊपर से सारा कुछ ग्रीन ग्रीन दिखने वाला है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ, बैठ के यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि टावर नंबर 20, 21, 22, 23 का क्या अभी अपडेट है। तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग हो गया है बाहर का, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80% हो गया है। और मैंने ना कैमरे भी जूम करके आपको जूम किया हुआ था मैंने, इसमें अभी दिखेगा, देखिए कितना अच्छा व्यू आ सकता है ना। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए जहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा कुछ रह गया है, मतलब 20% अभी रह गया कम, ये देखिए अंदर का जो जूम किया मैंने, आपको देख सकते हैं वाइट पेंट अंदर, मतलब घर के अंदर का भी पेंट हो चुका है, बाहर का भी हो चुका है, 80% 20% बचा है, अंदर का भी हो चुका है। तो देखिए मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा रही हूँ, यहाँ से ये सब ऊपर से कैसा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक फेस से ही अच्छा दिखेगा या दूसरे फेस से अच्छा नहीं दिखेगा, सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। और ये देखिए ये है ऑफिस, सेल्स ऑफिस है ये, और ये बन रहा है, ये कौन सा टावर है मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके कैमरा, आप देख सकते हैं कि 33, 34, 35 ये जस्ट लेक के बाजू में है जो बन रहा है अभी। अभी इसको बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मतलब वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है 2-3-4 साल जाएगा, 2030 तक तो टाइम दिया है। और ये शावर लगा दिया है उन्होंने, पहले एक ही लगा था, अब 3 हो गया है, 2 एक्स्ट्रा लग गया है। अब ये दिन का टाइम है तो कभी कभी दिन में इन लोग चालू करते हैं और शाम को भी चालू करते हैं, तो अच्छा दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, ये वाला जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए लेक के जस्ट बाजू में भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये रहा शायद 31-32 टावर नंबर। ये मैंने मॉर्निंग के टाइम पे वीडियो निकाला था, तो वॉक करने जब मैं गई थी तब निकाली थी। और ये वाला जो क्लिप है शाम के टाइम का है, शाम के टाइम सेंट्रल पार्क में बाहर से भी लोग आते हैं, तो ये लोग बाहर के हैं। तो यहाँ देखिए हम बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ते अकेले, क्योंकि यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम साथ में, देखिए मम्मी बेबी के साथ हाथ में ले कर आ रही हैं, बहुत झूलती है झूला। जाम हो गया है वो, किन्ने का नाम ही नहीं ले रहा है, बेबी इतना बेबी है, स्माइल कर रही है, माय गॉड। उसमें सर्विस करना है लग रहा है, बाकी बहुत टाइम हो चुका बारिश के बाद, वैसे भी यही हाल है। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा नज़ारा, माय गॉड। ये शाम का टाइम है, ये लाइट वाइट जल रहा है सावर के अंदर, तो आप भी देखिए। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ लाइट के साथ सावर,
कैसा लग रहा है बताना। और ये जो बाजू की बिल्डिंग्स वगैरह है बन जाएंगी ना तो बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत अच्छा व्यू आएगा और सबके घर से कुछ ना कुछ अच्छा व्यू भी आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके घर से ज़्यादा अच्छा है, मेरे दिमाग में था कि हमने पहले बुक कर लेंगे तो हमारा अच्छा दिखेगा। आइए देखिए ये सेंटर पार्क का है, इधर बटरफ्लाई सेल्फी पॉइंट। ओह माय गॉड क्या ही कैप्चर हो गया। तो ये है पीपल का पेड़ जहाँ पे मैंने आज दीपक जलाए हैं। देखिए रात को ऐसा व्यू आता है। तो मैं दिया जला लूँ, चलते। सो ये देखिए गाइस 29 के लिए भी मुझे बोला था किसी ने कि 29 का आप दिखे, तो ये मैं 27, 28, 29, 30 का ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्डिंग कहाँ तक का काम हुआ है। तो किसी ने बोला अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो जी नहीं बिल्कुल गलत है, स्टार्ट हो चुका है, टावर कंप्लीट हो गया है, बाकी का काम बचा है आप देख सकते हैं। तो ऐसा ये नहीं है, जिसका है वो आके भी देख सकता है, जिसने भी घर बुक किया है उसमें। तो ये हाल है, तो अभी उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुझे लगता है कि 26-27 ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ जस्ट बिल्डिंग ही बनी हुई है और अभी भी ऊपर चल रहा है। और ये है पिकनिक स्पॉट, जैसा आपको जैसा कि आपको पता है। और ये है चाय पत्ती एरिया। ये मैं आपको बता दूँ, ये है बिल्डिंग नंबर 12 इस तरफ, 13 इस तरफ है। 13 का जो एंट्री रहेगा मुझे लगता है क्लब हाउस के तरफ से रहेगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो है ये इस तरफ, ये है 13, ये भी बन चुका है, कंप्लीटेड है वो। और ये दिख रहा है आपको बीच में क्लब हाउस, इसको तो मुझे लगता है 1 साल का टाइम लगेगा अभी, क्योंकि स्लो ही चल रहा है। जब से मैं आई हूँ इतने पे ही अटका है, सिर्फ 2 ही फ्लोर रेडी हुए। और ये दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, 13 के बाद आता है 14, 15, 16, देखिए ये चल रहा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे टावर नंबर 16 को लेके बोलना था कि टावर नंबर 16 के लिए अभी टाइम है। टाइम ये है कि बाहर से वो भी पेंटिंग हो रहा है लेकिन अंदर से उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंसली कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर हम जा नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे फ्लोर से मैंने कैमरा जूम करके देखा है, जूम, कि अंदर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें का किचन, बेडरूम, हॉल सब दिखता है, क्योंकि जस्ट मेरे सामने ही है वो। तो इसलिए मुझे पता है कि टावर नंबर 16 मुझे लग रहा है कि ये जाने वाला है 23rd 2024, मुझे लगता है कि जाएगा आपको 2025 में ही मिलेगा, 2024 एंड तक मिल सकता है पोजीशन आपको 16 वालों को। जिस हिसाब से 22, 21 जो भी मैंने बताया आपको, 21, 22 ये सब जल्दी होने वाला है, क्योंकि इसका काम फास्ट हो रहा है। और 16 में अभी टाइम है। तो और एक कमेंट आया था मुझे 29 का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया उसके लिए तो बहुत टाइम है। तो आप 29 वाले शांति बनाए रखें। और किसने क्या, हाँ, और एक चीज़ मैंने नोटिस की, मतलब मुझे लग रहा था कि जो फेस वन का जो एरिया है बच्चों को खेलने के लिए बहुत छोटा ही है, पर मैंने ये चीज़ नोटिस की आज कि फेस वन में सबसे ज़्यादा स्पेस दिया है इन लोगों ने। बाकी जो भी फेस टू है, फेस थ्री, फेस फोर जो भी है, उसमें इतने स्पेस नहीं है जितने फेस वन में है। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो मुझे बुरा लगता था कि छोटा कम है जगह बच्चों को खेलने के लिए वो, पर बाकी जो भी फेस टू है, फेस थ्री है, फेस फोर है, उसमें इससे भी कम जगह है। तो
बस ये बोलना था। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरे और जो वीडियोस होते हैं, जैसे मेरे पर्सनल वीडियोस जो मैं डालती हूँ उस पर व्यूज़ नहीं आते, और ये जब ब्रूनवॉल से रिलेटेड मैं वीडियो डालती हूँ तो उस पर ही व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे पर्सनल वीडियोस को भी देखिए और उसे भी पसंद कीजिए। सो थैंक यू। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे लगता है कि 22 से मुझे जो कमेंट आया था वो सेटिस्फेक्शन हो गया होगा उनको सुन के, क्योंकि अंदर का काम हो गया, बाहर का भी काम हो गया, और जल्दी उनको मुझे लगता है कि 20-21-22 का जो है ना 24 तक तो मिल ही जाएगा। 24 बीच में तक मुझे लगता है 5-6 महीने बहुत होंगे। द गुड न्यूज़, इट्स अ गुड न्यूज़। तो ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट। टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि सब सोए हैं। और प्लीज़ इसको बोलते हैं हार्डवर्क, और घर के काम ये वो करके मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया। सब लोग सो गए हैं तो मैं ये एडिट कर रही हूँ, तो प्लीज़ पूरा देखिए मेरी मेहनत, प्लीज़ थोड़ा सक्सेस मिले मुझे, तो इसलिए आप पूरा देखना विदाउट स्किप किए। और मैं किस टाइप की वीडियोस अपलोड करूं प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं अपलोड करूं। okay. क्योंकि अभी तक मैं तो टाइम पास वीडियो बना रही थी, लेकिन अब मैं सीरियसली यूट्यूब पे काम करना चाहती हूं अपने लिए। और अब ये YouTube मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबसे जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। वीडियोस अपलोड करती फिर आपके कमेंट्स आते हैं, और एक कोई है एक जन वो क्या नाम है, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं उनके। सो थैंक यू। और मैं सीरियसली मैं इस पर काम करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मुझे आइडियाज़ नहीं है। तो कौन सा कीड़ा उड़ रहा है इधर?